तारीख से सर मेरा भाई वो 30 तारीख से मेरा भाई निकला हुआ था और सर हमने रिपोर्ट कराया, क्या बोलते, थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदी की। और फिर उसके बाद वो मेरे को 3 दिन से मिला नहीं। मैं 3 दिन से क्या बोलते हैं ढूंढते हुए घूम रहा था। फिर मैं मोक्षधाम पहुँचा, पोस्टमार्टम उसका हुआ, चीलगढ़ पहुँचा था। वहाँ जाके मेरे को पता पड़ा कि मेरा भाई की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। और उसी टाइम एक पुलिस वाले भैया आते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर आप नहीं मिलते तो मैं इनका अंतिम संस्कार कर देता। तो आप लोग यहाँ आए हो, क्या मांग करते हो? मैं सर ये नाम करता हूँ कि मेरे छोटे छोटे भाई के बच्चे हैं और मैं इनका अन्याय चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे भाई का कुछ इंसाफ मिले और उनकी कार्रवाई हो। वहाँ जाके पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, मैं ये चाहता हूँ। आप जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, क्या है डी जी साहब से मिलने के लिए, क्या प्रार्थना पत्र है, इसके बारे में जानकारी दें जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है और मैं मिशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये लोग कल मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे बताया था कि इनका भाई 30 जुलाई 2021 से लापता था। रात को ही इन्होंने तेहरी थाना सांगज पर दे दी थी और इन्होंने बताया कि जब हम उसको 3-4 दिन से तलाश कर रहे थे तो तलाश करते करते ये मोक्षधाम पोस्टमार्टम ग्रेसन मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वह सिकंदरा से एक बॉडी आई हुई है जिसकी शिनाख्त इन्होंने कर ली 3-8 को। तो इन्होंने उसके बारे में पता लगाया तो वहाँ एक सिपाही जसकरण सिंह ने बताया कि आज आप नहीं आते तो हम इसका स्वर दे थे। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा भाई है, तो इनको वहाँ ले गए और सारी कार्रवाई कराते हुए इन्होंने वो बॉडी तब सुपुर्द की। अगर ये व्यक्ति मौके पर वहाँ नहीं जाते तो पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। और सबसे बड़ी बात ये, तो ये अपने भाई से कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं पाते क्योंकि ये उसकी आस लगाए रहते गुमशुदगी में कि आएगा, वापस आएगा। और इसमें मानव